हम कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे और अपने घरों में खुश होंगे। जी तो आज आप लोगों के लिए मैं बहुत ही सिंपल सी और इजी सी रेसिपी लाई हूँ, आलू मेथी कीमा। जी ये बहुत ही मज़े का बनता है और बहुत ही सिंपल तरीके से मैं आपको बनाना बताऊँगी। तो चलिए हम अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर आप न्यू हैं तो, और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें, क्योंकि इसी तरीके की आपको न्यू रेसिपीज़ और न्यू वीडियोस हैं जो आपको मिलती रहेंगी। तो इसके लिए आपको जो है बेल नोटिफिकेशन को जो है बेल आइकन को प्रेस करना पड़ेगा, तो उसे ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। और इस रेसिपी अगर ये आपको रेसिपी अच्छी लगे तो इसे लाइक कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। तो चलिए हम अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए हमें ये देखिए कीमा चाहिए, इसको मैंने अच्छे से छान लिया था वॉश करके। ये है 1/2 kg कीमा और ये है 3 टमाटर पिसे हुए, इनको मैंने जो है पेस्ट बना लिया था। और ये है 3 प्याज, इनका भी मैंने पेस्ट बना दिया है। और ये है मेथी, इनको भी मैंने वॉश करके अच्छे से धो के वॉश करके बारीक काट के इनको मैंने छान लिया है। और ये हैं 2 से 3 आलू, इनको भी मैंने जो है बारीक सा काट लिया है क्यूब्स में। और थोड़ा सा ज़ीरा, हल्दी, बाकी स्पाइसेस मैं आपके साथ सामने ऐड करूँगी। और ये लहसुन अदरक 2 टेबल स्पून। तो हम स्पाइसेस जो है ऐड कर लेते हैं। जी तो हम स्पाइसेस में देखें, ये देखें मैंने 1 टेबल स्पून जो है रेड चिली पाउडर लिया है और 2 टेबल स्पून कुटा हुआ या पिसा हुआ धनिया। वन टेबल स्पून कुटी हुई लाल मिर्च और नमक आपने हसब जायका ले लेना है। मैं यहाँ नमक 1/2 टेबल स्पून ले रही हूँ, बाकी आपकी मर्जी है कि आपने जितना नमक यूज़ करना है आप उतना ले सकते हैं। जी तो हम इसमें 2 टेबल स्पून जितना ऑयल डालेंगे, ऑयल गरम होने देंगे थोड़ी देर। जी हमारा ऑयल गरम हो गया है, अब हम इसमें जो है 1 टेबल स्पून जीरा डालेंगे। लहसुन अदरक का पेस्ट और हल्दी को ऐड करेंगे। अब हम इसमें जो पिसी हुई प्याज थी उसे जो है हम हल्का सा लाइट ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। इसे बिल्कुल हल्का सा फ्राई करना है, इसे हम फ्राई कर लेंगे। जी तो देखिए हमारी प्याज का जो है कलर चेंज हो गया है, हमें इस तरीके से देखेंगे, देखिए इस तरीके से जो है इसे हल्का सा लाइट ब्राउन करना है। अब हम इसमें जो है टमाटर ऐड कर देते हैं और सारे स्पाइसेस को ऐड कर देंगे। अच्छी तरह मिक्स करके 2 ग्लास पानी डालकर जो है हम इसे भून लेंगे।
अब जो है हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके थोड़ी देर से हम भून लेंगे, फिर हम इसमें जो है अपना कीमा और मेथी को ऐड करेंगे। जी तो हमारा जो है मसाला भून गया है, अब हम इसमें जो है कीमा ऐड करेंगे। मेथी सारी जो थी हमने डाल दी है, और इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसमें आलू भी ऐड कर देंगे। अब हम इसमें जो है थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और एक ग्लास जितना पानी जो है ऐड कर लें आप, और इसे जो है 5 से 10 मिनट ढककर हल्की आंच पर पकने के लिए रख देंगे। अब हम देखते हैं हमारा कीमा रेडी हो गया होगा, तो देखिए कितना मज़े का कीमा बना है, बिल्कुल रेडी हो गया है। आप देख सकते हैं बहुत ही मज़े का लग रहा है, ये देखिए बिल्कुल भुन चुका है और अच्छे से मिक्स हो गया है और गल भी गया है, ये देख सकते हैं आप। तो चलिए हम इसे डिश आउट करते हैं। जी तो ये देखिए हमारा मेथी कीमा आलू तैयार है, बहुत ही मज़े का बनता है ये। आप भी इस डिश को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे न्यू वीडियो में न्यू रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।